इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें चार्ज एक सेंटर पे होगा। यहाँ उसके लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। जैसा देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रेड लाइंस हैं जिनका एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है? तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। इट मींस कि आपने जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स कंसिडर किए, उस स्फीयर के सरफेस के किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। और इसकी वजह से आप कह सकते हो, ये जो नेक्स्ट लाइन है, इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। क्योंकि किसी भी सरफेस के दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, और इस वजह से उसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक और फैक्टर पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से dV इक्वल्स टू dW बाई Q। एक छोटा सा वर्क डन हमने कंसिडर किया, बट dV इक्वल्स टू जीरो बिकॉज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो dW बाई dQ इक्वल्स टू जीरो एंड देयर फोर वी कैन से दैट dW इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स अ स्मॉल वर्क डन जीरो हो गया किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। दैट मीन्स नो वर्क डन इन कैरिंग एनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट ऑन इट। एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को आप मूव कराते हैं तो उस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। दिस इज द यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपके माइंड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर डेवलप किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।